shaking, drinking all this coffee these last few weeks. Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आपकी छोरी पहाड़िया. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ दिल्ली सरोजनी नगर में. मैंने सोचा सरोजनी नगर मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ और कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा यहाँ से अपने लिए विंटर के लिए. मैंने एंटर किया और यहाँ पे वही सब दुकानें जो लेफ़्ट में आपकी कैप्स वगैरह की शॉप रहती हैं और राइट साइड में खाने पीने का सामान था. और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वुडन कैप मिल रही थी. उससे थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड में यहाँ पे ज्वेलरी का एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें ज्वेलरी आपकी 50, 100, 200 तक का रेंज था. और ये शेड्स की शॉप भी वहीं पे है राइट में. और उसी से थोड़ा राइट में आपकी बेडशीट वगैरह की शॉप है, जहाँ पे आपको पिलो कवर और कुशन वगैरह मिलते हैं. विंटर का तो सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया हुआ था, काफ़ी सारी थड़ियाँ लगी हुई थी जैकेट्स की, कोट की, 100, 50, 200 रुपये, 150 रुपये में. यहाँ पे मैंने चेकआउट किया, ये 200 रुपये का यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह इसमें अवेलेबल थी, जो ठीक लग रही थी. मतलब दिखने में अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बेकार था. ठीक 100-100 सामान मुझे नज़र आया, बट हम थोड़ा लेट पहुँचे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अच्छा सामान है वो सारा पहले ही बिक चुका है. लेकिन उसके बावजूद मंडे को भी यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी. यहाँ पे कॉर्ड सेट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए थे, जो आपके ज़ारा के ड्यूब्स वगैरह होते हैं, रीज़नेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे शर्ट्स वगैरह थी, ऐसी प्रिंटेड शर्ट्स की एक स्टॉल लगी हुई थी. मैंने ये ब्लैक वाला चेकआउट किया. इसके बाद यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह की काफ़ी सारी रेंज थी, तो आप देख ही सकते हैं 150 रुपये में हाई नेक्स वगैरह, आपके कार्डिगन्स वगैरह, हर चीज़ मिक्स एंड मैच था. इसमें आपको जो पसंद आया आप ले सकते हो. चॉइस पे बात है कि आप कैसा उठाते हो, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने देखे कि इसमें फटे हुए भी आपको मिलते हैं, तो आपको केयरफुली चूज़ करना है. इसके अलावा यहाँ पे वेलवेट फिनिश की पैंट वगैरह, स्कर्ट वगैरह भी अवेलेबल थी आपकी 150 रुपये में. और विंटर का तो यहाँ पे बहुत सारा सामान आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कितना सारा कुछ अवेलेबल है. और इतनी ज़्यादा भीड़ है, मुझे लगा था यहाँ पे सिर्फ वीकेंड्स पे भीड़ होती है, तो मंडे को जाऊँगी. अब मंडे को इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मार के ही पहुँचा दे रहे थे एक जगह से दूसरी जगह. और धीरे धीरे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरे तो सर दर्द होने लग गया था. फिर मैंने यहाँ पे चेकआउट किया ये रेड स्वेटर, कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है, अच्छा लग रहा था, बट काफ़ी लूज़ होगा मेरे लिए, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया. इसके अलावा इस वाली थड़ी में काफ़ी अच्छी अच्छी स्वेटर्स थी, बहुत फंकी लुक जिनका क्रिएट हो सकता है, इस टाइप की स्वेटर्स मैंने चेकआउट करी. और एक ही ग्रे कलर का स्वेटर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, पर इसके स्लीव्स मुझे छोटे लग रहे थे, इस वजह से मैंने इसे भी नहीं लिया. उसके अलावा यहाँ पे 100 रुपीज़ की रेंज में आपकी ड्रेसेस वगैरह अवेलेबल थी, आपके स्टॉल्स वगैरह मिल रहे थे. फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे एक शेड्स की शॉप थी, तो मैंने ये गॉगल्स चेक किए और इसमें से मैंने एक परचेज भी किया. ये आपको 200, 300, 400 रुपये की रेंज में थे. इनकी क्वालिटीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं, ऐसी कोई चीप क्वालिटी इनकी नहीं है, तो इनकी क्वालिटी वाइज ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे. और मैंने इसमें से एक आप देखेंगे मेरे हॉल में जो मैंने बाय किया है वो कौन सा है. ये मैं देख रही हूँ, तो ये तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करी गॉगल्स में. मैंने ये वाला शेड ट्राई किया और ये मुझे काफ़ी पसंद आया गाइस. और मैंने इसके लिए बार्गेनिंग भी उनसे किया, तो उन्होंने मुझे ये बताऊंगी आपको हॉल में मुझे कितने का पड़ा है. उसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, तो ये जो मैंने अभी ये झुमके मैं दिखाऊंगी आपको, ये बहुत ज़्यादा प्यारे मुझे लग रहे थे. आई डोंट थिंक कि ये किसी को पसंद नहीं आएंगे. ये इतना हैवी नहीं थे जितना हैवी ये दिख रहे हैं, बट इनका जो मेटल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह थी. इसके अलावा यहाँ पे पैंट्स वगैरह, जैसे कि हमेशा ही सरोजनी में पैंट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, और स्वेटर ड्रेस वगैरह बहुत सारी आई हुई थी. इसके अलावा यहाँ पे आपका क्रिसमस से रिलेटेड सामान भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा, उससे रिलेटेड आपकी जो स्वेटर्स वगैरह हैं तो वो स्वेटर्स यहाँ पर थी. और आपके वुलन पैंट्स वगैरह, लॉन्ग स्कर्ट वगैरह भी अवेलेबल थी. फिर मैंने चेकआउट किया ये 100 रुपीज़ वाली थड़ी का स्टॉल, जिसमें आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेटर्स और हाईनेक वगैरह अवेलेबल थी. इसके बाद हम गए ग्रेफिटी लेन, जो बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई थी. यहाँ पे बस दो ही शॉप थी जहाँ पे कोट्स वगैरह मिल रहे थे, तो कोट्स इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल थे, आप देख ही सकते हैं. मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आए. इसके बाद हमने
यही जो 300-200 में यही चेकआउट कर रही थी, क्योंकि शॉप्स पे तो सामान सरोजनी में 30 के मुकाबले ज़्यादा महंगा मिलता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यही इनमें से लेना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा अगर आप कुछ पसंद कर पाते हो तो। मैक्सिमम चीज़ें ख़राब होती हैं बट कुछ कुछ आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, सो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉयज़ की हुडीज़ वगैरह की भी रेंज आई हुई थी। बॉयज़ का सामान मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आया, बट जो था वो महंगा भी ज़्यादा बोल रहे थे। फिर यहीं पे आपका राइट साइड में उन हुडीज़ वाली शॉप के राइट साइड में एक अंकल ने ये कैप्स वगैरह की लगाई हुई थी, जो वीडियो बनाने से बिल्कुल मना कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर फिर वीडियो शूट ही नहीं किया। इसके बाद मैंने बैग वगैरह चेकआउट किए, ये सारे बैग आपको 350 की रेंज में दे रहे थे। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका ड्यूप्स वगैरह ये दे रहे थे, पर ये बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये आपका 350 की रेंज में था। इसके अलावा स्वेटर्स वगैरह तो यहाँ पे भर भर के आई हुई हैं, तो अगर आपको विंटर के लिए लेना है तो आप सरोजनी जाके यहाँ से श्रग वगैरह परचेज कर सकते हैं, जो काफ़ी कूल लगते हैं पहनने में। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बाथरोब चेकआउट किए, जो काफ़ी कूल लग रहे थे और उनकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी थी, और विंटर का सामान तो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह भी अवेलेबल थी, आपके कार्डिगन्स अवेलेबल थे, हर कलर अवेलेबल था उनमें, और बहुत क्यूट लग रही थी कार्डिगन्स तो। और ये 90 रुपये वाली एक स्टॉल लगी हुई थी, इसमें मुझे कार्डिगन बहुत कूल लग रहा था, तो आप देख ही सकते हैं आजकल ट्रेंड में भी है। इसके अलावा यहाँ पे बूट्स भी अवेलेबल थे, जिन्होंने इस तरीके से बूट्स लगा रखे थे और ये काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। इसके अलावा आपके यहाँ पे बेल्ट्स की रेंज भी अच्छी थी, आपके फ्लैट्स वगैरह 250 में अच्छे खासे मिल रहे थे, जो दिखने में भी काफ़ी क्यूट लग रहे थे। इसके बाद मैंने ये 250 रुपये में यहाँ पे कोट्स का एक स्टॉल लगा हुआ था, तो इसमें ये कोट मुझे अच्छा लग रहा था, बट ये भी साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था गाइज, सो मैंने इसमें चेकआउट किया बट मेरा साइज़ मुझे इसमें नहीं नज़र आ रहा था कहीं भी। और ये काफ़ी सस्ते थे बट इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, आप देख ही सकते हैं। इसमें कलर भी काफ़ी अवेलेबल थे, चेक कोट भी इसके अंदर थे, प्लेन सॉलिड कलर भी अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ बैग्स की रेंज भी काफ़ी अच्छी थी, जो 300 से लेके 500 के बीच में थी, और ये स्लीवर्स अवेलेबल थे जो 250 रुपये में मिल रहे थे। फ्लैट्स वगैरह भी आपके 250 से 500 के बीच में मिल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे अंडर गारमेंट्स की भी एक शॉप है, जो मेट्रो फैशन करके, शॉप नंबर 141 आप देख सकते हैं। इसके बाहर पे यहाँ पे आपके फॉक्स फर वाली जैकेट्स वगैरह मिल रहे थे, जो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी गाइज। और इसके अलावा यहाँ पे सेल लगी हुई थी आपकी झुमकी की, आपके इयररिंग्स की, जो 30 और 100 रुपीज़ के मिल रहे थे, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपका ये स्कर्ट का एक थड़ी देखा था, जो 200 रुपये में स्कर्ट दे रहे थे, और वो बहुत सुंदर लग रहे थे सारे। तो एथनिक के लिए भी यहाँ सरोजनी में भर भर के सामान है, शॉप्स वगैरह हैं जहाँ साड़ियाँ वगैरह बहुत खूबसूरत सी लगी हुई थी। इसके अलावा यहाँ शूज़ भी थे, जो 350 रुपये में आप देख ही सकते हैं मिल रहे हैं, और शॉप के अंदर इनका दाम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर मैंने चेकआउट किए ये कड़े, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, और ये साइज़ भी मेरा ही था। यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे गोल्डन में, सिल्वर में कड़े अवेलेबल थे, जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इन्हीं कड़े वाले भैया की दुकान के बगल में एक इयररिंग्स की शॉप थी, जहाँ इंडियन इयररिंग्स एथनिक ड्रेसेस के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी इयररिंग्स मिल रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगी, और फिर मैं कंफ्यूज़ हो गई कि मैं कलर रेड वाला लूँ या मैं ग्रीन वाला लूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद यहाँ पे हमने काला महल करके एक शॉप थी, जहाँ पे लहंगे वगैरह अवेलेबल थे, और आपकी साड़ी सूट सेट वगैरह भी इसमें अवेलेबल थे। ठीक इसके बगल में आपकी एक बैग की स्टॉल लगी हुई थी, जिसमें आपके हैंडबैग्स वगैरह मिल रहे थे, और वो भी काफ़ी कूल लग रहे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे आलिया भट्ट का मांग टीका वाला जो सेट है वो चेकआउट किया, जैसा आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके वेलवेट सेट्स मिल रहे थे, तो ये भी इसमें काफ़ी कलर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत कूल लग रहे थे दिखने में।
इसके बाद यहाँ पे मीरा साड़ी करके एक शॉप है जिसमें साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये 2500 वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये आपकी ऑर्गेन्जा प्रिंट की साड़ी थी। और यहाँ पे इसी रेंज में 600-500 की रेंज में भी काफ़ी सारी साड़ियाँ लगी हुई थी। फिर यहाँ पे आपकी जूतियों की शॉप भी है, आप देख सकते हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं जूतियाँ और फ्लैट्स वगैरह पहनना। और इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा आई हुई है सरोजनी में। और जाते जाते मैंने चेकआउट किए ये फंकी से इयररिंग्स जो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे, और मैंने इसमें से काफ़ी सारे परचेज भी किए। ये सब आपको 100 रुपीज़ में दे रहे थे, इनका प्राइस फिक्स था, ये भैया बिल्कुल भी दाम कम नहीं कर रहे थे, बट ये दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं और मैंने भी इसमें से लिए। फिर आखिर में मैंने ये 50 रुपीज़ वाली जो ज्वेलरी है जो मैं हमेशा जब आती हूँ तो देखती हूँ, तो मैंने ये कलेक्ट करी और मुझे काफ़ी पसंद है इनको ख़रीदना, तो मैंने इसमें से काफ़ी सारे सेट लिए हैं। तो गाइस ये था मेरा सरोजनी का टूर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।